हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जरूर बताइएगा। तो आज विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आज है दशहरा, दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। तो शाम को चलेंगे रावण देखने, यहाँ आसपास कई रावण जलते हैं, तो चलेंगे, बच्चों को भी दिखा के ले आएंगे। आप लोग भी चलना साथ में, आप लोग भी देखोगे ही देखोगे अपने मोहल्ले का। तो यहाँ का रावण कैसे जलाते हैं चल के देख के आएंगे। और खाना खा लिया है अभी अभी मैंने, बहुत तेज़ भूख लगी थी। बनाया था मसूर की दाल और चावल, और मैंने काट दिया था मूली सलाद में, और कोई सलाद नहीं था। बिना नहाए धोए अभी तक ये पड़े बॉटल ऐसे कर रही हूँ तो उधर चली जा रही है। चलो, यहाँ युद्ध चल रहा है, जैसे ही रिकॉर्डिंग, जैसे ही कैमरा उठाया है यहाँ युद्ध चल रहा है। कभी गाना चला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, क्या कहूँ मैं। चलो फिर अब शाम को चलेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से। ये सही है कि नहीं सही है? सही है, वो सही है। अरे सही है, सही है। थोड़ा और दही लेकर, तब सूख गई दही, जामन रखी थी, डाल दे रही हूँ हल्के गुनगुने दूध में। दही जम गई, ये मूली है, कद्दूकस कर रही हूँ, थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, मूली का पराठा साथ में अजवाइन डाल दिया आटे में। नमक, नमक अजवाइन डाल के इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, सरसों तेल से बढ़िया करारा बनता है अगर डालो तो। तो यहाँ पे मैं अब आटा लगा लूँगी। अगर पहले मूली से ही गूंथने की कोशिश कर रही हूँ, अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तभी पानी डालते हैं, तो थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ी मुझे, तो बस आटा लगा लिया है मैंने। अब इसको रख दूँगी और इसके बाद थोड़ी देर थोड़ा रेस्ट कर लेगा ना, तो नरम हो जाएगा, जितना नरम होना होगा। फिर अभी आलू काट ले रही हूँ, और शिमला मिर्च दो तरह है, लाल पीली, ये पड़ी हुई थी, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी। ये दो तरह शिमला मिर्च है, आलू है और प्याज है। तो मैं ऐसे सिंपल भुजिया सब्जी बनाऊंगी। तो चलो, पंचफोरन है जिसमें धनिया,
जीरा, मंगरेल, मेथी और सौंफ ये डाल दिया, थोड़ी सी हींग। सबसे पहले डालूंगी इसमें आलू। क्योंकि आलू सबसे देर में पकता है इसलिए सबसे पहले आलू डालूंगी। नमक जिससे कि आलू जल्दी पक जाए। किचन क्यूब मसाला है, इसमें सारे मसाले होते हैं, मिक्स होते हैं, वही मैं इसमें डालूं। अब इसमें डाल दे रही हूँ प्याज। हल्दी और वही किचन क्यूब मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च। इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, दो तरह के हैं, हरी हो तो हरी भी थोड़ा डालिए। हरा शिमला मिर्च क्या है, वो अपना इतना तेज फ्लेवर होता है कि वो खुद ही सिर्फ एक तरह से सबका क्रेडिट वही ले लेता है। मैं हरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी मटर, फ्रोजन मटर है तो निकाल लेती हूँ, उसको थोड़ा डाल देती हूँ। बस गया, अभी यही जला हुआ था, देखो यहाँ से यहाँ तक दाग पड़ा हुआ है, यही फिर से टच हुआ है, देखो। कलरफुल सब्जी बनने देते हैं, थोड़ी देर अब पक जाए, इसके बाद जरा सा अमचूर डालेंगे, टमाटर नहीं डालूंगी इसमें, बस पक जाए फिर दिखाती हूँ। ये साड़ी है जो कि अभी ऑनलाइन मंगाया था, देखो कैसा लगता है, ये इस तरीके से उल्टा पहन रही है। ये वो साड़ी जो मैंने मंगाई थी वो थी पूरी ऑरेंज कलर की और थोड़ा सा ब्लू था, और ये पूरी ब्लू है और थोड़ा सा ऑरेंज है, उल्टा आ गया है, लेकिन ठीक है, बुरा नहीं लग रहा है इसलिए रख ले रही हूँ, वापस नहीं कर रही। ये कॉटन में है, ये कॉटन की साड़ी है, इसका ब्लाउज इस तरह से ऑरेंज कलर का है। इसको बनने के लिए दूंगी, अभी चलेंगे वहां पे, जो साड़ी दिया था लहंगा बनाने को वो बन गया होगा, तो इसको भी दे के आएंगे। पल्लू और ब्लाउज का कपड़ा ऑरेंज है, तो इसको चल के देके आते हैं इसको बनने के लिए। देखो आज निकल पाती हूँ, तो आज हो सकता है रावण जलाने का टाइम हो रहा है, तो लोग अब निकल जाएंगे रावण जल देखने के लिए, हो सकता है बुटीक नहीं खुला हो तो कल दे देंगे। बीच में बहुत सारे कपड़े थे, ये सारा उतारना था, जल्दी जल्दी मैंने इसको उतारा है। सब्जी अभी गैस पे पड़ी हुई है, जल्दी से चल के कुछ गीले कपड़े हैं जो कि मैंने फिर से डाला, तो सब्जी भी देखनी है और रावण देखने के लिए भी वो जिद कर रहे हैं, तो वहाँ भी चल के रावण भी दिखा के आना है। अमचूर डाल दिया, तो मिला देते हैं,
मस्त बन गया हमारा। ये हो गई, थोड़ी सी दाल बची है और ये मिक्स वेज सब्जी हो गई और ये हो गया मूली का आटा लगा के रखा है। अभी थोड़ी देर पराठे बनाती हूँ और मैंने तैयार कर लिया है। अभी तो इसको तो फ्रिज में डालना है, सारी सब्जियाँ ये सब धो के रखा है, लौकी टमाटर बैंगन नींबू सब कुछ है सब है। इसके अलावा ये लहसुन है, टमाटर है, मिर्च है, प्याज है, आलू और कुंदरू है। तो अभी मैं बना नहीं रही हूँ, इसको रख दूँगी फ्रिज में, बनाऊँगी सुबह। मसाला अभी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें बस अदरक और डालना है, अदरक लहसुन मिर्च प्याज। ये मसाला तैयार कर लेती हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाता है दूसरे दिन बनाना खाना, कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी। ब्लिंकिट से आ गया है सामान, आज मिल गया है क्या, चिचिंडा। बहुत दिन बाद मिला था ये स्नेक गार्ड, ये देखो मिलता ही नहीं जल्दी से। आज ब्लिंकिट पे दिखा तो मैंने मंगा लिया। ये मशरूम है, इसके अलावा बहुत सारा सामान है, पनीर है और क्या क्या है, कुछ बर्तन धोने का साबुन वगैरह था तो एक जगह है, इसको अलग ही रखते हैं। ये उठा लेती हूँ, इसमें ज़रूरत थी हमें अदरक की, तो मसाला बनाने जा रही थी, मंगाया था तो अब अदरक नहीं था तो मैंने कहा भाई अदरक मंगा के फिर बना लेती हूँ। सब काटा था, अदरक नहीं था तो मंगाया था इसको। तो चलो पहले मसाला बना लूँ फिर ये सारा सामान रखती हूँ। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन मिर्च प्याज सारा कुछ एक साथ पीस लिया, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया, उसके बाद ये मसाला डाल के भून लेंगे खूब अच्छे से, फिर मसाले डाल देंगे। इसके बाद पहले जैसे ही हल्का सा मतलब कढ़ाई छोड़ने लग जाए जब ये मसाला, उसके बाद में हम इसमें हल्दी धनिया नमक मिर्च ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो पहले थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए मैंने मिर्च डाल दिया, हल्दी डाल दिया, जीरा और धनिया पाउडर डाल दिया, ये मसाले डाली हूँ। अगर जो सब्जी बनाती हूँ उसी हिसाब से वो मसाला उसी समय पे डालती हूँ, और या गरम मसाला। तो अभी टमाटर डाल दिया तो ये मसाला जो है फूल जाएगा और बढ़िया से पक जाएगा टमाटर के साथ में। हरी मिर्च कटी हुई डाल दी, ये देखिए तेल ऊपर आने लग गया है, मसाला हमारा बन गया है। चलिए रावण दिखा के आते हैं। तो रावण खोजते खोजते हम लोग थक गए बिल्कुल आके, अब मैं पराठे बना रही हूँ, बच्चे खाने जा रहे हैं। तो रावण को देखने की पूरी कहानी मैं फिर से एक ब्लॉग और डालने वाली हूँ। बिल्कुल कहीं रावण ही नहीं मिला हमें मोहल्ले में, कैसे कैसे खोजा हमने। तो चलिए अभी बच्चे के बस खाना दे देती हूँ। इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, हो ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अम्मी वेरी यम्मी। बहुत अच्छा है।